गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग वैष्णवी प्रगति गुड इवनिंग अमिनी गुड इवनिंग सुप्रिया मनाली गुड इवनिंग साहिल गुड इवनिंग ऐश्वर्या गुड इवनिंग सुजल निधि वेरी गुड इवनिंग ऑल ओके साहिल कौन सा पोर्शन रिवाइज करना बेटा प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन हाँ बेटा रिवाइज करवा दे रहा हूँ डोंट वरी ओके तो इकोसिस्टम हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और इकोसिस्टम में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है लास्ट थ्री लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट का यहाँ पे स्टडी किए ओके उसका एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ जैसे कि आपकी डिमांड है और फिर फाइनली आज इस पोर्सन में हम लोग डम्पोजिशन स्कॉम स्लाइड से समझेंगे और फाइनली आज हमारा जो मेन जो पोर्शन हम लोगों का स्टडी करना है दैट इज एनर्जी फ्लो ये वाला जो पार्ट है आज हम इस सेशन में देखेंगे मीन्स आज हम लोगों को क्या देखना बेटा एनर्जी फ्लो जो है ये हम लोगों को समझना है चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए तो जैसे कि आपकी डिमांड थी और यहाँ पे जो हम लोग इकोसिस्टम का स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो इकोसिस्टम में यहाँ पे जनरली लास्ट टू क्लास में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि इकोसिस्टम जो है नेचर का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें हमने इसके कुछ टाइप्स देखे थे टाइप्स में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट समझे थे जिसमें टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एंड मैनमेड इकोसिस्टम का स्टडी किए थे फिर इसके बाद हम लोगों ने फाइनली स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है वो हमने देखे थे मीन्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं एक हमने पॉन्ड या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं वो हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर जिस तरह से कम्युनिटी कैसे फॉर्म हो रही है जिसमें प्रोड्यूजर्स से लेके डम्पोजर्स तक का पार्ट हमने देखे थे फिर इकोसिस्टम के फोर बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें से फर्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी सेकंड डिकम्पोजिशन थर्ड एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रेन साइकिल प्रोडक्टिविटी हमारा हो गया है डीकम्पोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी फ्लो आज हम लोगों को पढ़ना है बट प्रोडक्टिविटी और डीकम्पोजिशन को रिवाइज करते हुए एनर्जी फ्लो जो है आज देखेंगे और उसके बाद फिर न्यूट्रेंट साइकिल क्या होती है वो हम समझेंगे ओके okay, तो विदाउट डिले किए आगे का पोर्शन देखते हैं प्रोडक्टिविटी हम जानते हो बेटा जैसे कि क्या होता है जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा सनलाइट से अपना एनर्जी सनलाइट को ट्रैप करते हैं साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सीओ टू और एस टू का यूज करके उसे वो कन्वर्ट करते है किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा अपना एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में ओके तो ये क्या कहलाता है बेटा प्रोडक्टिविटी कहलाता है मीन्स कितना बायोमास पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस हुआ एनर्जी फ्लो में क्या आएगा जो फॉर्म हुआ है वो आगे पास हो रहा है तो दूसरे एनिमल में कैसे पास हो रहा है डीकम्पोजिशन में क्या आएगा तो देखो यहाँ पे जो स्लाइड दिख रहा है इसमें सब्सटेंस जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं और इस तरह से एक जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं प्रोडक्टिविटी को यदि हम देखें तो सनलाइट सोलर एनर्जी जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ठीक है वो अपना क्या है क्या कह सकते बेटा बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है तो बायोमास कितना बना तो बायोमास कितना बना तो देखो हो सकता है कि एक इतना एक लैंड था इतना एक टेरिस्ट्रियल सिस्टम था इतनी जगह पे ये पर्टिकुलर एक एरिया है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कितना यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ ग्राम में या फिर किलो कैलोरी में मेजर किया जा सकता है ठीक है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना यहाँ पे बायोमास प्रोड्यूस हुआ जो कि कहलाता है प्रोडक्टिविटी फिर इस प्रोडक्टिविटी में हमने दो टाइप देखे थे जिसमें एक आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस मीन्स टोटल कितना फोटोसिंथेसिस वहां वहाँ होगा ठीक है तो टोटल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहलाती है ग्रॉस उस टोटल में से प्लांट ने जो यूज किया वो एक अलग यूज करने के बाद जो रिमेनिंग जो बचा जो रिमेन रहेगा तो रिमेन वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ये हम लोगों ने देखे थे ओके शायद यहाँ पे ही आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा ठीक तो यहाँ पे प्राइमरी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इसको डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे ग्रॉस ग्रॉस क्या होता है टोटल फोटोसिंथेसिस नेट फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट ने यूज कर लिया जितना यूज करना था बाकी उसने जो बचाया मतलब रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो बचा वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो इस तरह से एनपीपी को हम मेजर कर सकते हैं जीपीपी माइनस आर से आर जो होता है बेटा मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है कि प्लांट ने कितना एनर्जी यूज कर लिया उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं मीनस रेस्पिरेटरी लॉसेस जो है कितना हो रहा है और होने के बाद जीपीपी में से जो भी लॉस हुआ Remaining जो बचा वो कहलाता है एनपीपी ठीक है साहिल बेटा समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी कुछ डाउट है तो मैं फिर से रिवाइज करता हूं अदरवाइज आगे बढ़ते हैं ऐसे बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो यहां पे क्या होता है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मींस क्या कह सकते बेटा अब जो भी हिटरोट्रॉप है वो कितना एनर्जी बना पा रहा है जो एनर्जी बनी वो तो ठीक है उसके बाद कितना बचा तो जो बनी वो सेकेंडरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो जाएंगी और ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद जो यूज हुआ और रेस्पिरेटरी लॉसेस हुआ तो वो जो बचा वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी ओके पर्टिकुलर एरिया में कुछ फैक्टर्स होता है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है और कितना फोटोसिंथेसिस वो प्लांट कर पा रहा है उस पर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है तो ये कुछ इसमें क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ जाएंगे जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत मायने देते हैं ओके okay. तो इस तरह से ये हो गया क्या चीज बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फिर यहां में ज्यादातर एरिया जो कवर हुआ है ये वाला ये हो गया बेटा क्या चीज ओशियन उसके बाद आपको ये थोड़ा सा जो एरिया दिख रहा है बेटा ये हो गया टेरिस्टियल अब टेरेस्टियल में और ओशियन में यदि हम देखे तो 70% पोर्शन जो है वो ये ओशियन का है बट 70% होने के बाद भी टोटल 170 बिलियन टन इतना होने के बाद भी कितना यहाँ पे ओशियन में प्रोडक्टिविटी होगा तो यहाँ पे ओशियन में ओनली 55 बिलियन टन्स ही ओशियन में प्रोडक्टिविटी हो पाता है समझे रिद्धि आज क्लास में है क्या बेटा रिस्पोंस करो कल आपके डाउट आ रहे थे नहीं हो एक ही दिन आए थे क्लास में बड़े दिनों के बाद आए थे कल और आज गायब हो गए क्लास पसंद नहीं आया लगता आपको ओके चलो कोई बात नहीं तो यहाँ पे देखिए अब रिद्धि को डाउट था तो मैं सोचा यहाँ पे समझा देता उसको बट वो ही नहीं है यहाँ पर ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे क्या चीज बेटा प्रोडक्टिविटी कितना होता है तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कितना हो रहा है तो टोटल तो 170 बिलियन टंस जिसमें से 70% ओशियन को होने के बाद भी 55% आ, 55 बिलियन टंस ही ओशियन में जो है प्रोडक्शन होता है रीजन इसका यही है कि ओशियन में बेटा सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है जितना न्यूट्रिएंट टेरेस्ट्रियल में है उतना यहां पे एक्वाटिक लाइफ ओशियन में नहीं हो पा रहा है ये इसका एक रीजन है और फाइनली अब हम लोगों को नेक्स्ट जो पोर्शन स्टडी करना है That इज decomposition. तो कल शायद हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे तो एक बार डीकम्पोजिशन को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जो है हम लोगों को ना हो और सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर पाए ओके तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन देख लेते हैं बेटा तो डिकम्पोजिशन की यदि हम बात करें तो बेटा देखिए ये ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड लेक्चर में समझे हैं क्या होता है बेटा डीकम्पोजिशन मीन सिंपल ब्रेकडाउन बेटा ठीक है अब ब्रेकडाउन की यहाँ पर तो भी कुछ प्रोसेस कुछ स्टेप्स होती है तो ब्रेकडाउन जो हो रहा है क्या चीज किसका ब्रेकडाउन हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन ठीक है बाय डीकम्पोजर्स डीकम्पोजर्स ये टर्म याद रखना बेटा डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है मतलब डीकम्पोजर्स के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे ये ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इसका क्या होगा ब्रेक डाउन छोटे छोटे पार्ट में बट ये अकेले अपने आप से नहीं होगा यहाँ पे कोई ना कोई क्या कह सकते हैं कोई कोई है. तो ये, है, है? है, ये क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोब्स होते हैं okay. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ये जो डिकम्पोजर्स है इस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सीओ टू हो गया वाटर हो गया या फिर न्यूट्रिएंट इसमें क्या कर दे रहे बेटा ये कन्वर्ट कर दे रहे समझे तो यहाँ पे देखिए जनरली यदि हम देखें तो ये जो प्रोसेस होती है डीकम्पोजिशन इसमें यदि देखा जाए तो एक तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस भी होती है मतलब यहाँ पे देखो एक तो भी होती है और एक एन एरोबिक भी होती है दोनों तरह से प्रोसेस होता है बेटा समझे बट एनरो की यदि हम बात करें तो वो डिकम्पोजिशन में नहीं आएगा आएगा फर्मेंटेशन में आ जाएगा तो हम गया और जो भी डीकम्पोजिशन का जो रॉ मटेरियल है बेटा वो होता है क्या चीज डेट्रिटस अब क्वेश्चन ये डेट्रिटस होता क्या है तो देखो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लांट की लीफ जो है ये फॉल हो रही है ठीक है या कोई एनिमल जो है ये ठीक है जब इसका स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्सन हो रहा है या कोई भी सब्सटेंस तो डेड प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं लीव्स हो सकती है बार्क हो सकता है फ्लावर हो सकता है डेड रिमेन्स एनिमल्स की भी हो सकती है या फिर फीकल मैटर हो सकता है लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि सर ये डेट्रिटस का मीनिंग हमारे को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम लाइन टू लाइन एनसीआर का स्लाइड बेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है आपकी ही डिमांड थी कि स्लाइड से भी पढ़ना है आप लोगों को अब बोर्ड पे भी पढ़ना है तो ये वाला पार्ट हमने बोर्ड पे पहले देख चुके हैं अभी आपका स्लाइड वाला पोर्सन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है बेटा तो अब देखिए डेट्रिटस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब ये जो डेट्रिटस डेट्रीटसो जो खाएंगा जो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ेगा उसे क्या कहते हैं बेटा कहते हैं पढ़े हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चलो तो नेक्स्ट इसमें आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है सबसे पहले आएगा फ्रेगमेंटेशन फिर उसके बाद आता है लीचिंग फिर आता है कैटाबोलिज्म फिर ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में आता है मिनरलाइजेशन ओके okay? तो यहां पे टोटल फाइव स्टेप्स ऑफ मैकेनिजम्स होती है डीकंपोजिशन की सिंगल स्टेप में डीकंपोजिशन नहीं होगा तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं देखो कैसे हो रहा है ये एक एनिमल का डेड रिमेन्स है ये एनिमल का देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ फिर बाद में देखो कंडीशन क्या हो गई ये देखो इस तरह से आ रहा है ये देखो आगे चल के एनिमल की कंडीशन क्या हो गई फिर उसके बाद देखो और लास्ट में जो है ये इस तरह से कंप्लीटली हो गया एज इट इज ये प्लांट में भी आप देख रहे हो ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे होता है बट हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रही पिक्चराइजेशन यदि आपका अच्छा हो गया तो आगे चल के आपको हेल्प मिलेगी ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे पहली चीज तो फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें तो ये होता क्या है तो डिकम्पोजिशन का फर्स्ट स्टेप जो है बेटा वो क्या चीज है फ्रेगमेंटेशन यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां तक समझा बेटा एक बार रिस्पॉन्स करो जल्दी से सुजल साहिल शुभम ईश्वरी मृणाली डिंपल वैष्णवी सुप्रिया लियांशु बेटा रिद्धि आप किसी और ने, नेम से ज्वाइन हुए हो क्या बेटा अभी आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा हाँ अभी आप दिखे मुझे आई थिंक आप लेट ज्वाइन किए आपने बेटा वो वाला देखे अभी मैंने जो समझाया था ओशियन वाला वीडियो देख लिया आप, आपने समझ में आया क्या कोई डाउट है क्लियर हो गया अभी मैंने थोड़ी देर पहले लॉब लिमिटिंग फैक्टर्स का एक एग्जाम्पल बताया था आपको ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए यहां पे फ्रेगमेंटेशन क्या देख रहे थे हम लोग फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है फ्रेगमेंटेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डेट्रिटिवर्स जैसे कि अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म हो सकता है या फिर यहां पे देखो आपको ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं बेटा कोई एक सब्सटेंस है उसको खा रहे हैं यदि तो खाएंगे तो देखो जैसे कि for example, एक प्लांट की एक है 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 इस लीफ को खाएंगे तो छोटे-छोटे छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएंगे मतलब क्या है? जो है, फॉलिंग जो लीफ होता ठीक उसको पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट कर रहा है कौन कर रहा है कि अर्थवॉर्म तो इस फिनोमिना को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं ये पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग है ना इस फिनोमिना को क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड इसमें आते हैं सेकंड क्या होगा लीचिंग बताओ जल्दी से कोई भी लीचिंग जो होता है अब देखिए लीचिंग देखेंगे अभी हम लोग लीचिंग की यदि हम बात करें तो लीचिंग जो है जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस देखो यहां पे लीचिंग क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी सब्सटेंस था वो स्मॉल पार्ट में ऐसा डिवाइड हो गया तो इसमें से क्या होगा कुछ सब्सटेंस जैसे पानी आया रेनफॉल हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इसमें से कुछ सब्सटेंसेज होगा बेटा क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा कौन सा सब्सटेंस जो वाटर सोल्यूबल फिर धीरे 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 इस तरह से क्या होगा बेटा डीप ऑफ बॉटम में जा करके ये क्या होगा बेटा प्रेसिपिटेट हो जाएगा समझे डीप ऑफ अर्थ तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट है गो डाउन इनटू द हो रिजोन एंड प्रेसिपिटेट एज अनियबल सॉल्ट

बट बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू सीक्रेट एक एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व है तो जब वहां पे एंजाइम्स रहेगा तो सपोज ये डेट्रेटास है इधर एक बैक्टीरिया था इसने केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किया यहाँ पर इस तरह से और इस केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करने के बाद अभी जैसे ये डेट्रेटास है इस तरह से तो अभी वहां पे जो भी केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हुआ तो वो केमिकल क्या कर रहा है इसको ऐसा जो एंजाइम है वो खा रहा है तोड़ रहा है ऐसा ब्रेक कर रहा है तो ये इस तरह से ब्रेक हो गया दिखाई दे रहा है तो ये जो कैटाबोलिज्म जो है यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कैटाबोलिज्म में जो डेट्रिटस है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है बैक्टीरिया हो सकती है फंजाई हो सकता है और ये क्या कर रहे हैं एक एंजाइम सिक्रेट करेंगे और इस एंजाइम की वजह से फाइनली उसका ब्रेकडाउन होगा तो इस फिनोमिना को कैटाबोलिज्म कहते हैं ओके okay.

Leaching, leaching वाली स्लाइड बताना है बेटा हाँ बेटा लीचिंग वाला स्लाइड देख लो ये लो स्क्रीन शॉट लेना होगा तो ले सकते हो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो देख लो बेटा प्रगति हो गया चलो ग्रेट आगे बढ़ते हैं लीचिंग समझा कैटाबोलिज्म समझ में आया ह्यूमिफिकेशन क्या होता है ये हम देखेंगे देखो बेटा ह्यूमिफिकेशन सिंपल ये देखो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये इस तरह से मिट्टी में जो मिल जा रहा है देखो ह्यूमस बन रहा है ह्यूमस देखो एक डार्क कलर का एमोरफस डार्क एमोरफस ठीक है क्या चीज जो डार्क एमोरफस सब्सटेंस जो सोयल में रहेगा अब देखो ऑलरेडी जो डेट्रीटस था डेट्रिटस में माइक्रोबियल एक्शन हो चुका है और माइक्रोबियल एक्शन जब यहाँ पे हो गया तो माइक्रोबियल एक्शन के बाद अब और इसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ पाएंगे रजिस्ट तो हो जाएगा अब इसके अलावा इसका और छोटा फ्रेगमेंट बनाना है यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो नहीं होगा मीन्स यहाँ पे धीरे 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 डिकम्पोजिशन होगा और एक कोलाइडल नेचर वाला एक हो जहां पे बहुत छोटे से, से गाँव में आपने देखे होंगे कि घरों से निकला जितना भी जो गार्बेज होता है वो एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है इस तरह से फेंकते जाते वहां फेंकते जाते फेंकते जाते कूड़ा बोलते हैं जिसको कूड़ा कचरा तो ये गार्बेज इस तरह से सारा का सारा यहाँ पे आकर के जमा कर देते हैं फिर वहां पे क्या होता है कोई एक फार्मर होता है या फिर जिसके घर पे भी वहां पे खेती है वो क्या करते हैं इस गार्बेज को उठा करके लेके जाता है और अपना जो फार्मर फील्ड होता है क्रॉप फील्ड वहां पे ले जाके जो है है छोड़ देता है। क्यों बिटा? क्यों बेटा क्योंकि ये एक रिजर्वेयर होता है किस चीज का बेटा न्यूट्रिय का बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिय होते हैं तो वो जो है बेटा वो पहले क्या था वो डेट्रिटस था देन फाइनली वो एक्मलेट होके क्या फॉर्म हो गया ह्यूमस ठीक है

ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे प्रेजेंट था, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? ये इस तरह से ऐसे होंगे जो, होंगे। तो जो से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे वाटर सोल्यूबल होने के बाद अब ये क्या होगा धीरे धीरे डीप ऑफ अर्थ में ये मूव ऑन करना चालू करेंगे ठीक है और यहां पे जाके इसका इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा इस फिनोमिना को लीचिंग कहते हैं सिंपल देखो सोलबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है गो डाउन इनटू टू दॉयल होरिज़न एंड प्रेसिपिटेट एज अन अवेलेबल सॉल्ट इस फिनोमिना को लीचिंग कहते हैं क्या कहते हैं इसे लीचिंग कहते हैं साहिल का कैटाबोलिज्म रिपीट करना बेटा देखो कैटाबोलिज्म मीन्स क्या होता है जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक प्लांट की लीफ है ये प्लांट हेल्दी था कुछ हो रहा था कैसे नहीं लेकिन कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हो गई। अब जैसे ही ये, ये फॉल हुआ फॉल होने के बाद अभी क्या होगा यहाँ पे डेटेटिव आएंगे डेटेटिव इसको खा रहे हैं खाने की वजह से इस लीप के क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे इस तरह से हो सकता है कि इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर गए हैं तो माइक्रोब्स ग्रो किए तो उसने क्या किया कुछ एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रेट कर दिया है तो एंजाइम्स की वजह से क्या होगा यहाँ पे वो एंजाइम्स इसको और तोड़ेंगे इस तरह से तो छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा डिक्रेट हो जाएगा इस तरह से तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो जो डेट्रिटस था ठीक है अब ये ऐसा नहीं जब लिफ हेल्दी रहता तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है पहले वो हेल्दी जो है डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे अलग अलग टाइप का वहां पे एक्शन हो रहा है तो जो डेट्रिटस था सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन कब जब यदि कोई बैक्टीरिया और फंगस वहां पे काम करते हैं एंजाइमेटिक एक्शन जब वहां पे होता है तो वो कैटाबोलिज्म कहलाता है जब डेट्रिटिव जैसे अर्थवॉर्म जब उसको खाता है और छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ता है तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है लीचिंग मतलब ये जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो डीप ऑफ द दॉयल में जाके वो प्रेसिपिटेट उसके बन जाते हैं वो कहलाता है अब ये तीनों भी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हेलो फ्रेगमेंटेशन लीचिंग और तीनों भी पार्ट समझ में आ गया अच्छी तरह से ग्रेट सुजल कल्याणी तेजस्वी नेहमाली बेटा साहिल आपका डाउट आया था आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला अनिकेत सॉरी सर फॉर लेट माई नेट पैक इज एग्जॉस्ट ओके बेटा कोई बात नहीं थोड़े दूर है रिचार्ज विलेज कोई प्रॉब्लम नहीं ओके साहिल को समझ में आ गया चलो बहुत बढ़िया बेटा कल यार यारिक्सटी के ऊपर चला गया गया था आज फिर हो स्ट्रेंथ ऐसी कम ज्यादा क्यों होती है पढ़ने वाले से फिफ्टी स्टूडेंट है जिनको रियल में आगे बढ़ना है ऐसा लग रहा है मेरे को और बाकी लोग टाइम पास करने के लिए कभी आते हैं देखते हैं क्या चल रहा है फिर चले जाते हैं ऐसा है क्या या वो आगे बढ़ गए आप लोगों से आप पीछे हो चलो जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते हैं अपन तो अब देखिए इसके बाद आ, हम लो, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन का स्टडी करेंगे दैट इज ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन पढ़ाया थोड़ी देर पहले मैंने ह्यूमस जो है ह्यूमिफिकेशन मींस ह्यूमस का एक्युमुलेट होना एक्युमुलेशन कैसे हो रहा है ह्यूमस तो ह्यूमस जो एक डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस बन रहा है जो रेजिस्टेंस माइक्रोबियल एक्शन से ठीक है अब यहां पर डिकम्पोज जो होगा वेरी स्लोली होगा बट ये कोलाइडल नेचर का होता है और न्यूट्रिय रिच होता है ऑफ़ द ये कहलाता है ह्यूमिफिकेशन ओके और लास्ट प्रोसेस आता है मिनरलाइजेशन क्या होता है ये समझेंगे ओके तो अभी यहां पे देखिए मिनरलाइजेशन की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ बेटा जो सब्सटेंस है ये यह देखो यहाँ पे आप पिक्चर्स देखो पिक्चर्स को समझो जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे रिलीज होता है ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स अब बना ठीक है हो गया इस तरह से रॉक जो चट्टाने हैं उसमें जाके ऐसा चिपक गया जमा हो गया अब इसका जब डिग्रेडेशन होता है तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं प्लांट उसको अगेन रीयूज करता है उसकी रिसाइकलिंग होती है रीयूज होता है आगे की फर्दर प्रोसेस तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपको समझेगा देखिए होता है ये भी मैंने पढ़ाया हूं आपको पहले एक देखो एक ट्री है बेटा जो जनरली एक सोयल पे ग्रो किया है काफी है लीफ यदि उसका फॉल हो गया है तो, तो अर्थवॉर्म भी उसे खा रहा है माइक्रोब जैसे फंजाई जो है ये भी के उसको क्या कर रहा तोड़ रहा है किया, और इस तरह से सोयल में वापस से इस तरह से एकुमलेट हो गए और वापस वो ट्री फिर से यूज करेगा फिर से ग्रो कर जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है जिसमें कुछ की लीचिंग हो गई कुछ का केमिकल एक्शन हुआ उसका वहां पे मतलब वही सारी प्रोसेस फ्रे, फ्रेगमेंटेशन उसका वहां पे हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के बाद फिर वहां पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा लीचिंग लीचिंग हो रही है लीचिंग के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कैटाबोलिज्म भी हो रहा है तीनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलेंगी फिर उसके बाद फिर ह्यूमिफिकेशन होगा ह्यूमस बनने के बाद मिनरलाइजेशन वहां पे उसका हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पे ये यह प्रोसेस होती है तेजस्वी का डाउट है कोलाइडल नेचर का मीनिंग क्या होता है ओके बेटा कोलाइडल नेचर मींस जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे जिलेटिना चिप सा जो स्टिकी जो नेचर होता है उसे कोलाइडल नेचर कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वैसे भी बेटा आपका जो भी क्वेरी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है जैसे ही फॉर्म का अपडेट आ जाएगा मैं आपको पोस्ट कर दूंगा या ग्रुप में समझा दूंगा आज का टेस्ट दिएगा सभी लोग कैसा रहा टेस्ट 50 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे और 50 स्टूडेंट टेस्ट दिए दो तीन लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे मजा आया वेरी गुड अच्छा था टेस्ट ग्रेट बहुत बढ़िया नीट में भी बेटा एग्जाम में नीट का फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे ओके okay, थोड़ा बहुत लेवल टफ या नहीं दोनों कंडीशन बन सकती है बट इस बार का जो मैंने रिवीजन टेस्ट बेटा 2020 का पेपर उठा के देख लो आप उसी लेवल का मैंने आपका इस बार का पेपर दिया हूं। चेक कर लो नहीं तो एक भी क्वेश्चन इधर स्कोर 300 प्लस गया तो आप डेंजर जोन से बाहर हो यदि नहीं गया तो बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा ठीक है कितने लोग है थ्री प्लस वाले वैसे रिजल्ट आ जाएगा मैं बुलवा लेता हूँ रिजल्ट ठीक है आप लोगों को मिल जाएगा वैसे लेकिन फिर भी आप भी बता दीजिए थ्री जीरो फोर सुजल वेरी गुड तेजस्विनी टू सेवेंटी टू बेटा हार्ड वर्क करना जरूरी है स्कोर बढ़ाओ क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको जो दिया गया है इससे इजी और कहीं नहीं मिलने वाला और एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे एज इट इज समझ लो और कोई लगता थ्री हंड्रेड प्लस ज्यादा लोग नहीं जा पाए है ना कोई बात नहीं बेटा इस संडे के टेस्ट में आपको अपना स्कोर अच्छा करना है और उसके बाद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने आप लोगों का तीन चैप्टर रखा है उसमें अपना बेस देना है समझे देखते हैं ये जो दो टेस्ट है इसमें आपका स्कोर क्या आता है कॉम्पिटिट करो बेटा आपस में एक दूसरे को प्राची वन ट्वेंटी आ रहा है निधि टू वन टू आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा स्कोर कम आ रहा मतलब हमको समझ में आ गया कि अब कितनी मेहनत करनी है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाई कोई प्रॉब्लम नहीं शुभम का टू ही मिले चलेगा बेटा अच्छा है तभी तो हमें हमें समझ में आएगा कि अब हमें और कितना वर्क करना है मेहनत करनी है ठीक तो सृष्टि पवार वन फिफ्टी टू है सेजल सेवेंटी टू है दिव्या वन एट्टी फोर है गामिनी टू सेवेंटी टू है ईश्वरी टू ट्वेंटी एट है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है इस फिर से एक बार बाजी मारो

कि हम लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि 150 से लेके 250 तक के कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आज आपके स्कोर यहाँ पे इतने आ रहे हो सकता आगे भी ऐसे ही रहे इस लेवल को बढ़ाना है इसलिए आप लोगों के यहाँ पे ये यह जो टेस्ट सीरीज पैटर्न जो मैंने चालू किया हूं बहुत अच्छा है समझ गए ओके और एक और चीज मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टेस्ट रखा हूं मैंने ओके okay, ये टोटल स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें डिस्कशन भी जरूरी रहेगा बाकी कोई भी पेपर में डिस्कशन का नीड नहीं है बट ये जो तीन चैप्टर टॉपिक जो तीन चैप्टर में जो रख रहा हूं इसमें डिस्कशन भी रहेगा हाँ बेटा साहिल मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है समझे जानवी का मुझे फोन आ रहा था है क्या बेटा क्लास में रिस्पॉन्स करो बेटा आप जब भी मुझे कॉल करते हो ना मेरा क्लास चल रहा होता है तो उस टाइम पे मैं कैसे फोन रिसीव करूँ आप मुझे टेक्स कर दिया करो टेक्स के बाद मुझसे टाइम ले लिया करो कॉल का क्लास में हो क्या आपके फोन आए आज बहुत सारे बार मुझे बहुत सारे मिस कॉल दिख रहे थे आई थिंक परी खुराना नाम आप ही का है ना मुझे ऐसा याद है कि जानवी ही मुझे फोन करती है परी खुराना के नाम पे ट्रू कॉलर में दिखा रहा था क्लास में नहीं है या कोई और है परी खुराना नाम के स्टूडेंट आई थिंक कोई भी नहीं है क्लास में जिससे कॉल आ रहा था चलो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई और होगा फिर हाँ तो आगे बढ़ते हैं डी जिसके हम लोगों ने फैक्टर्स देखे थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं डी को ओके तो पहली चीज तो बेटा इसमें हम लोगों ने देखे थे क्या चीज केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है तो डेट्रिटस का केमिकल कंपोजिशन बहुत मायने देता है यदि वो लिग्निन से या काइटिन से रिच होगा तो डीकम्पोजिशन बेटा बहुत स्लो होता है ठीक है? है ये क्विकर होता है कब जब डेट्रिटस में नाइट्रोजन ज्यादा होगा या फिर जो भी वाटर सोल्यूबल जैसे सुगर ज्यादा होंगी तो उस टाइम पे डीकम्पोजिशन फास्ट होता है, देखो हम जानते है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ने में मेहनत लगती है जैसे काइटिनियस जैसे सेलवाल सेलवाल भी हम देखते हैं ना के काइटिन का बना होता है तो इस काइटिन को तोड़ना आसान नहीं है ना लिग्निन को तोड़ना आसान नहीं है तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है तो इस कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा स्लो रहेगा लेकिन यही चीज हम देखे तो हमें मालूम है जैसे प्रोटीन प्रोटीन की यदि हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एग जो होता है एग को आप जैसे बॉयल आप एग लोगे और उसको कट करके कुछ देर के लिए उसके स्लाइस काट के ऐसे पीस छोड़ दो ऐसे ठीक है कुछ टाइम के बाद देखो बहुत जल्दी उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है क्यों क्योंकि उसमें प्रोटीन है और प्रोटीन जो है मीन उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में क्या होगा बेटा मोड ऑफ एक्शन जो है केमिकल एक्शन बहुत फास्ट होता है शुगर में भी ऐसी होगा कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बेटा बहुत मायने देते हैं अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो टेम्परेचर स्वयल का मॉइस्चर पढ़े थे हम लोगों ने वार्म और मोस्ट इनवायरमेंट जो होता है बेटा इसमें डीकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर यदि कम है और कंडीशन यदि है तो डिकम्पोजिशन को ये कम कर देता है क्यों क्योंकि ये प्रोसेस जो है ऑर्गेनिक मैटर के बिल्डअप में यूज की जाती है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है तो ये याद रखना बेटा ये वाला पार्ट अच्छे से याद कर लो वार्म वार्मेंट जो होता है और मोस्ट एनवायरमेंट और लो टेम्परेचर और एन एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस पार्ट को लेकर के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और ये चीजें में हमसे गलती हो सकती है तो इस जगह पे आप लोगों को गलती नहीं करना है बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे समझ गए हेलो चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर वेरी गुड तो अब हमें एक चीज तो समझ में आ गया बेटा की डिकम्पोजिशन जो है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर होगा मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो सकता है कि वो प्रोड्यूजर्स हो और इस प्रोड्यूजर्स से एनर्जी जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जिसको हम टी वन टी टू टी थ्री रिस्पेक्टिवली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे ओके okay? तो T1, T2 और T3 की हम बात करें थे, तो ट्रॉपिक लेवल है बेटा प्रोड्यूज से लेकर कंज्यूमर तक और कंज्यूमर से लेकर डीकम्पोजर तक के एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे होता है और एनर्जी का लॉस जो है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है और हर एक लेवल के बाद टेन परसेंट एनर्जी का लॉस होता है ये सारी चीजें या फिर इससे ज्यादा होता है वो हम देख लेते हैं सुजल का डाउट है क्लाइमेक्ट्रिक को फिर से रिवाइज करना है देखो बेटा सुजल क्लाइमेक्टरिक में कुछ भी अलग नहीं है क्लाइमेक्ट्रिक फैक्टर इसमें आता है टेम्परेचर और सॉयल का मॉइस्चर हम जानते हैं कि टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा है ठीक है वार्म है या मोस्ट इन्वायरमेंट है तो ये डिकम्पोजिशन को फेवर करता है लेकिन टेम्परेचर लो है तो आप जानते हो कि माइक्रोवियल एक्टिविटी जो है लो टेम्परेचर पर नहीं हो पाएंगी और जब माइक्रोवेयल एक्टिविटी लो टेम्परेचर पर नहीं हो पाएंगी तो एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा

वो डिकम्पोजिशन को रोक देगा बट वार्म और मोस्ट कंडीशन हाई टेम्परेचर ये डिकम्पोजिशन को बढ़ा देता है सुजल समझ में आ गया और बाकी लोगों को समझा बेटा चलो नेक्स्ट जहां नहीं समझे इमिडिएटली पूछ लो क्योंकि देखो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं वो टीचिंग में मैंने समझाया हूं कुछ नहीं समझा होगा तो आप पूछ लीजिए इमिडिएटली पूछो तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको ये समझा है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर का डिलीवरी मिलेगा चलो अभी हम लोग एनर्जी फ्लो पे आते हैं एनर्जी फ्लो की यदि हम बात करें, तो एनर्जी फ्लो जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम देखे, तो सन सन जो होता है बेटा ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है यहां पे एनर्जी सन से नहीं मिलती ओके अब इस पोर्शन को समझने के लिए सबसे पहले पी ए आर क्या होता है यह समझना पड़ेगा बट ये वाला पोर्शन इस स्लाइड से स्टेटमेंट के बेस पे समझने से अच्छा इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं ओके हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम यहां पे पी ए आर क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले बेटा एनर्जी फ्लो क्या होता है वो हम समझेंगे ठीक है एनर्जी फ्लो को हम जान लेते हैं सबसे पहले तो एनर्जी फ्लो मींस एक क्या कह सकते बेटा एक सीरीज ऑफ प्रोसेस जिसमें मूवमेंट होता है एनर्जी का एक इकोसिस्टम एक में और वो भी कैसे बेटा थ्रू आउट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कह सकते बेटा हम लोग यहां पे जो समझ रहे हैं जस्ट वे पेन चेंज कर देते पहले तो ओके एनर्जी फ्लो का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या देख रहे हैं अभी हम लोग एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं बेटा एक सीरीज या फिर सिक्वेंशियल प्रोसेस है ठीक है सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ क्या हो रहा बेटा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस जिसमें मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का किसी एक इकोसिस्टम एक में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्जी इन इको सिस्टम अभी यहाँ पे एनर्जी का जो मूवमेंट हो रहा है एक इकोसिस्टम एक में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक प्रोड्यूसर्स की बात कर ले

ओके okay. तो इस तरह से यहां पे एनर्जी जो है उसका क्या होगा यहां पे फ्लो होगा ओके okay. बट क्या हो रहा है बेटा एक सिक्वेंशियल मेथड है एक मैकेजम्स जिसमें एनर्जी जो है उसका क्या होगा फ्लो होगा ओके okay. तो ये जो एनर्जी जो फ्लो हो रही है ठीक तो इसमें यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट की यदि हम बात करें तो वहां पे सन से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ये एक एक्सेप्शन है तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है ठीक है इस कंसेप्ट को समझते क्या चीज बता रहा हूं मैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जिसमें इसका मोर देन फिफ्टी परसेंट और लेस देन फिफ्टी परसेंट की यदि हम बात करें ओके okay? क्या देख रहे हैं अभी हम लोग इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ओके तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है जिसमें मोर देन देखो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मतलब सनलाइट से यदि कुछ भी जो रेडिएशन आ रही है तो क्या हमारे अर्थ तक के क्या प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बनाना है तो उसके लिए क्या हंड्रेड परसेंट सनलाइट वहां तक पहुंच पा रहा है आंसर करेंगे यस और नो क्या हंड्रेड परसेंट वहां पर सनलाइट पहुंच पा रहा है स्पॉन्स में क्विकली यस नो नहीं ओके okay. तो देखो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है इसमें से मोर देन फिफ्टी परसेंट जो है वो तो आती ही नहीं है बेटा जो क्लाउड है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगी डस्ट है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पे कुछ वहां पे स्केटर्ड भी हो गई बेटा स्केटर्ड हो गई रिफ्लेक्टेड हो गए हो एब्जॉर्ब गई तो यहां पे मोर देन परसेंट जो है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का जिसमें पहली चीज तो ये क्या बेटा स्केटर्ड हो जा रहा है ठीक है मेरा मार्कर सही नहीं चल रहा है बेटा ठीक है तो स्पेलिंग और राइटिंग में गड़बड़ हो रही है पहली चीज तो स्केटर्ड हो गया स्केटर्ड होने के बाद कुछ यहाँ पे क्या हो गई रिफ्लेक्टेड हो गई उसके बाद फाइनली कुछ यहां पे क्या हो जाएगा एबजॉब हो जाएगा तो इसमें से मोर देन फिफ्टी परसेंट जो है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा जो है वो तो आया ही नहीं है ओके अब इसके आगे इसके बाद लेस देन फिफ्टी परसेंट की यदि हम बात करें कितना बेटा इसके बाद यदि हम लोग लेस देन फिफ्टी परसेंट की हम बात करें तो ये जो लेस देन फिफ्टी परसेंट होता है यह कहलाता है बेटा पी ए आर यह कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है जितने लोग क्लास में आज उसके लिए बेटा ये समझ में आ गया तो आपको बहुत मजा आएगा पी ए आर क्या कहलाएगा बेटा इसे कहते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पी ए आर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100 परसेंट सोलर रेडिएशन का पी ए आर लेस देन 50 परसेंट है कितना है बेटा लेस देन 50% तो बाकी का कहां गया तो मोर देन 50% जो है बेटा वो स्केटर्ड हो गया रिफ्लेक्टेड हो गया या फिर एब्जॉर्ब हो गया डस्ट क्लाउड्स या फिर और भी वहां पे कुछ रीजनस हो सकते हैं फिर इसके बाद देखिए यहां पे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है पीएआर उसका 2 से लेके 10% ही बेटा कैप्चरड होता है किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप कोचेस समझ में आए क्या बताया मैंने इस पे आर का क्या चीज इस पे आर का टू से लेकर के टेन परसेंट ऑफ पे आर हम पे आर की बात कर रहे हैं पे आर मतलब जो ऑलरेडी लेस देन ठीक है जो ऑलरेडी लेस देन फिफ्टी परसेंट है बट उसका भी टू से लेकर के कितना टेन परसेंट कैप्चर्ड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है तो टू से लेकर टेन परसेंट जो है ये क्या हो गया बेटा ये हो गया कैप्चर किसके लिए इन फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में कितना आया ओनली टू टू टेन परसेंट और ये टू टू टेन परसेंट जो है इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी कहते हैं ओके okay. समझ में आ गया जीपीपी क्या होता है और कितना परसेंट और कितने से आया तो पी ए आर का टू से टेन परसेंट जो है ये हो गया क्या चीज हमारा जीपीपी अब इस जीपीपी में ट्वेंटी परसेंट लॉस हो जाएगा कितना बेटा ट्वेंटी परसेंट लॉस हो जाएगा जिसमें से 1 के और से 4 जो बचा, वो कहलाएगा पी तो लॉस्ट जो है वो कितना हो रहा है बेटा तो लॉस्ट इस जीपीपी में ट्वेंटी परसेंट जो है इसका लॉस हो गया हो गया मीन्स यहां पे टू परसेंट से लेकर के वन परसेंट जो है ठीक है फिर इसके बाद जीरो पॉइंट एट परसेंट से लेकर के फोर परसेंट तक के। रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, है ये जो बना लॉस होने के बाद जो बचा इसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी एनपीपी और जीपीपी ये आप लोगों को इसका डेफिनेशन में पास्ट वाले लेक्चर में समझा चुका हूं ठीक है यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो 0.8 से 4 परसेंट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा ओके तो सोलर रेडिएशन जो है इसमें क्या हो रहा है तो सोलर रेडिएशन बेटा जो आई सन से प्रोड्यूसर्स के पास गया पी वाला कंसेप्ट वैष्णवी क्या है रिपीट अगेन ठीक ओके समझा दे रहा बेटा देखिए क्या हो रहा है हंड्रेड परसेंट सनलाइट आ रही है किधर गया हमारा ये देखो हंड्रेड परसेंट सोलर रेडिएशन में मोर देन फिफ्टी परसेंट जो सोलर रेडिएशन होता है कितना मोर देन फिफ्टी परसेंट सोलर रेडिएशन जो रहेगी ये हमारे पास तक नहीं आ पा रही है वो स्केट हो जाएगी हो हो जाएगी या absorb हो जाएगी या ये सिर्फ से से कम हमारे पास आई, जो 50 से कम हमारे हमारे पास पास आई तो आई मतलब जो तो इस पी ए आर को हंड्रेड परसेंट माना तो उसका टू से टेन परसेंट ही पी ए आर का जो प्लांट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और उससे जो फूड बनाएगा वो कहलाएगा बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और उसका भी लॉस हो गया रेस्पिरेशन में मींस से लेके सिर्फ इतना ही एनर्जी जो प्लांट स्टोर करेगा जो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा क्योंकि एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग तो एनर्जी फ्लो प्रोड्यूजर से कंज्यूमर तक के जा रहा है तो उसके पहले सनलाइट है सन से प्रोड्यूसर के पास गया फिर कंज्यूमर के पास गया तो ये इस तरह से लॉस भी हो रहा है ना एनर्जी का तो अब देखो यहाँ पे कैसा होता है तो हम जानते हैं कि ओनली सन जो है वो क्या है सन जो है क्या कर रहा है बेटा अरे यार क्या हो गया एक मिनट हा जस्ट वेट स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बेटा यही अपना राइटिंग वाला गायब तो नहीं हुआ नहीं दिख रहा? दिख रहा है हाँ देखिए तो अभी देखिए हम जानते हैं कि ये सन है सन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी सन से आई वो कहा गया वो प्रोड्यूसर्स के पास गया लेकिन ये हंड्रेड परसेंट नहीं आया बेटा ये जो सोर्स जो सन जो है ये कितना पी ए आर का प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी गई सिर्फ टू से लेके टेन परसेंट एनर्जी ही पी ए आर का ये पहुंचा प्रोड्यूसर्स के पास इसके बाद भी हम जानते हैं बेटा कि जब प्रोड्यूसर्स से जब ये कंज्यूमर के पास जाएगा प्रोड्यूसर से जब ये कंज्यूमर के पास जाएगा तो हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाता है मैक्स टू मैक्स एनर्जी जो है वो क्या होगा बेटा लॉस हो गया अब कंज्यूमर के फॉर्म में यदि हम इसे हर भी वोर्स यदि लेके चलते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे जो कंज्यूमर है ये कौन है बेटा यदि ये हर भी वोर्स है ऑब्वियसली हर भी वोर्स ही रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा ये एनर्जी को यूज करेगा खुद भी यहाँ पे इसमें इसके पास भी एनर्जी यूज होंगी तो एनर्जी क्या होंगी बेटा डाइजेशन होगा एसिमिलेशन होगा जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है और साथ ही साथ हीट इसमें इसने अपना एनर्जी को यूज कर लिया यूज हो गया यूज होने के बाद फाइनली यहां पे लिख देता हूं आपको याद रहे क्या बता रहा था मैं, यहां पे जो एनर्जी है पेन का टिप छोटा कर लेते हैं पहले जो एनर्जी है यहां पे डाइजेशन में या फिर हीट के फॉर्म में उसने एनर्जी को क्या किया बेटा लॉस कर दिया और फाइनली ये सब होने के बाद हर भी बोर्ड से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो कहा हुआ यहां से ये गया कॉर्निवर्स के पास कहा पहुंच गई बेटा एनर्जी अभी कॉर्निवर्स के पास तो एनर्जी का फ्लो जो है ये किस पर काम करता बताओ एनर्जी का फ्लो जो है ये काम करता है लॉ ऑफ थर्मो तो इस तरह से बेटा यदि हम यहां पे देखे कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो यहां पे होती है ये किस पे किस लॉ पे बेटा लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स इस पर काम करता है अब लॉ थर्मोडायनेमिक्स की यदि हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा बताओ क्या कहलाता है बेटा एनर्जी का फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोगों ने पढ़े हो केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो एनर्जी का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है बेटा यार लिख नहीं पा रहा मैं एनर्जी ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय केमिस्ट्री वीक नहीं है बेटा केमिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कन्वर्ट भी नहीं हो रही बेटा सिर्फ ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी ना तो उसको क्रिएट की जा सकती है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट ऑनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है तो याद रखना याद रहेगा या लिख दो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ओनली क्या हो रही है बेटा ओनली ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं वन टू अदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यह हमारा थर्मोडाइनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है ओके okay. ये क्या है यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो अभी यहां पे देखिए इसमें हम लोग एक फूड चेंज जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फूड चेंज समझेंगे क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है तो हम लोगों को फूड चेन को समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूजर्स से लेकर के कंज्यूमर तक के और कंज्यूमर से लेकर के डीकम्पोजर्स तक के एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है और हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद टेन परसेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी भी तरह से एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ठीक है यह हमें समझना है लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या होती है ये हम लोगों को समझना है वैसे आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छा होगा तो आपको मालूम होगा कि इकोसिस्टम जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को नहीं समझा पाता ठीक है मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है सप्लाई ऑफ एनर्जी या सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बेटा ओके तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है जैसे कि फूड एनर्जी जो है एक फॉर्म से एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिजम तक के पहुंच रही है और हर एक लेवल के बाद एनर्जी का लॉस हो रहा है या तो हीट के फॉर्म में हो रहा है या फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में हो रहा है ठीक है और एक इकोसिस्टम एक में हम देखें तो हर एक जो है वो डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिजम्स पर और इस तरह से यहां पे जो क्रिएट होंगी वो क्या कहलाएंगे बेटा फूड चेन कहलाएगा तो एवरी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल ठीक है और इस तरह से अरेंज होगा एक सीरीज जिसमें फूड एनर्जी ट्रांसफर होंगी और एक पर्सन के मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उसको कोई और खाने वाला है तो इस तरह से बेटा फूड चेन में एनर्जी का फ्लो जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है बेटा इन फॉर्म ऑफ फूड तो जब फूड के फॉर्म में एनर्जी का फ्लो होता है और इस तरह से एक जब चेन बनती है तो इसे कहते हैं फूड चेन फूड एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है और हमेशा ये जो फूड एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल कैसा होता है बेटा यूनिडायरेक्शनल यहां पे होती है मींस जो फूड एनर्जी है क्या चीज फूड एनर्जी जो है ये एक वन ट्रॉपिक लेवल वन ट्रॉपिक लेवल टी वन जैसे प्रोड्यूजर्स हो गया ओके और उससे एक कंज्यूमर तक के ट्रांसफर हो रही है समझ में आया चलो तो इसी पोर्शन को एक काम करते हैं थोड़ा सा वापस से हम अपने स्लाइड पे आते हैं और उस स्लाइड की हेल्प से हम समझते हैं ठीक है फिर उसी पार्ट को हम एक पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे तो वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे कहा पहुंच गए जस्ट वेट तो देखिए बेटा यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं हमें एक चीज तो समझ में आ गई जो भी समझा बेटा ये सब आपका एनसीआरटी अब एनसीआरटी पे आ गए हम लोग तो देखो पिक्चराइजेशन के से आपको तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सन जो है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम बट एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम देखो जो भी है हमारा जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है इसका लेस देन 50 परसेंट जिसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मींस पी कहते हैं आप कैन है जिसमें प्लांट और जो भी फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है ठीक है जिससे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप जो फूड अपने खुद से बना सकते हैं तो सोलर रेडिएशन को फिक्स करता है जिससे ये फूड का सिंथेसिस कर पाए तो प्लांट जो कैप्चर कर रहा है ओनली टू से लेकर टेन परसेंट पीएआर का ये पी ऑलरेडी लेस देन फिफ्टी परसेंट है लेकिन उसको हम हंड्रेड परसेंट माने तो उस हंड्रेड परसेंट का सिर्फ टू से टेन परसेंट पी यही एनर्जी बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएगी और इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे नीड है एक कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी जिससे सिंथेसाइज होगा एक मॉलिक्यूल और यही जो है बेटा हेल्प करता है किस चीज को बेटा द एंट्रोपी ओके नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग तो इसमें देखिए क्या क्या चीज बेटा तो इस इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हो प्लांट देख रहे हो बेटा तो प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी लिया और लेने के बाद इसने यही पे देखो यह एनर्जी किस तरह से एक दूसरे में गुती हुई है एक से आ रही है वहीं से वापस भी जा रही है तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूजर्स जो कि हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे ठीक है सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकता है फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस की हेल्प से ये क्या है अपना एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है क्या हो रहा है यहां में हम समझेंगे तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर हर्बेसियस या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात करें तो एक्वाटिक सिस्टम में फाइटोप्लेक्टोन हो सकता है एलगी हो सकता है और हायर प्लांट भी आ सकता है जो क्या कर रहे बेटा सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं प्रोसीड होगा और प्रोड्यूजर्स जो कि एनर्जी बनाएगा और वहां से एनर्जी जो है बेटे जो भी टॉप कंज्यूमर्स है वहां तक जाएगा और ऑर्गेनिज्म और का डेथ होता है तो वही एनर्जी जो है वापस रिटर्न बैक और इस तरह से एक साइकिल बनी हुई है इसलिए एनर्जी को ना तो क्रिएट कर रहे हैं हम ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की और उसके बाद फिर से वापस जहां से आए वही पहुंचा दी समझे तो इस तरह से एनर्जी का एक क्या हो रहा है यहां पर फ्लो हो रहा है तो ये जो हो गया हमारा एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे ठीक है बेटा तो अब देखिए यहां पे ये यह जो एनर्जी का फ्लो हुआ तो प्रोड्यूजर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया प्रोड्यूजर्स जो कि सनलाइट से एनर्जी आई और प्रोड्यूजर्स ग्रासेस से वट जो भी है ठीक है इसने क्या किया बेटा इसने एनर्जी कैप्चर किया प्रोड्यूस किया फिर ग्रॉस ओपर जो कि इसकी जो एनर्जी है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर उस ग्रॉस ओपर पे चली गई फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उस ग्रॉस ओपर को किसने खाया बेटा फ्रॉग ने खाया ये एनर्जी का फ्लो है बेटा इसको हम फूड चेन कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं तो फूड चेन में क्या हो रहा है बेटा एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल तो इसको हम क्या कहेंगे टी वन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे फिर यहाँ पे जो एनर्जी है इसको क्या कहेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल T2 से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉक को क्या कहेंगे बेटा T3 फ्रॉक को किसने खाया बेटा स्नेक ने तो ये T4 ठीक है और फाइनली उसके बाद हॉक और डीकंपोजर्स के थ्रू बेटा अल्टीमेटली सब कुछ डीकंपोज हो गया तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है हर्बीवोर्स हो सकता है बेटा जो फीड कर रहा है प्लांट को जैसे कि इंसेक्ट है बर्ड से मैमल्स से या मोलस्क का ये कोई भी बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं फिर इसके बाद क्या आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स तो प्राइमरी कॉर्निवर्स इसमें आते हैं जो कि फीड कर रहे हैं हरबीवर्स को एग्जाम्पल फ्रॉग फॉक्स या मेन आता है टर्सरी कंज्यूमर्स में सेकेंडरी कॉर्निवर्स आता है जिसमें टाइगर लॉयन जो कि प्राइमरी कॉर्निवर्स को फीड कर रहे हैं ये वाला पार्ट समझ में आया आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है मैंने आपको कहा था मैं आपको एनसीआरटी वाला पार्ट और दोनों चीज अच्छे से लाइन टू लाइन समझाने वाला हूँ और डिमांड आपकी थी बेटा आपने बोले थे सर स्लाइड से से भी पढ़ना है, से भी पढ़ना पढ़ना है है और बोर्ड तो दोनों चीजों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ का पोर्सन हम कंटिन्यू करेंगे पहले स्लाइड लेते हैं जहां पे ऐसा लगा कि इसकी बोर्ड की नीड है आप मुझे मैसेज कर देना नहीं तो एनर्जी फ्लो तक के और इसके बाद वाला पोर्सन तो हम स्लाइड से ही कवर कर लेंगे टाइम बचेगा हमारा कम टाइम में ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्सन देखते हैं अभी हम नेक्स्ट पोर्सन मीन एनर्जी फ्लो का हमने कंज्यूमर वाला देख लिए कंज्यूमर वाले के बाद देखिए जो फीडिंग जो जो हो रहा बेटा चेन है फूड चेन जैसे कि आपने यहाँ पे जो देखे तो ये जो जो फीडिंग रिलेशनशिप है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से जो हो रहा है ये कहलाता है फूड चेन जो कि दो टाइप की होती है एक होता बेटा, chain, है बेटा ग्रेजिंग फूड चेन जिसे जीएफसी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी

तो जो यहां से स्टार्ट होती है उससे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं तो इस तरह से बेटा फूड चेन को जनरली टू क्लासेस में क्लासिफाई किया है डीएफसी और जीएफसी क्या है डेट्रिटस फूड चेन दोनों भी पार्ट समझ में आ गया बेटा डीएफसी और जीएफसी समझ में आ गया क्या होता है ओके यदि ये समझ में आ गया होगा तो इसमें हम लोग एनर्जी का जो फ्लो होता है कैसे होता है और डी और जी में डिफरेंसेस क्या है वो हम समझेंगे क्योंकि इसमें बेटा जो एक पार्ट दिया हमारे एनसीआरटी में वो मैग्जिम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है ठीक है बट पहले आज कंसेप्ट देखेंगे और एनसीआर का ये वाला जो पोर्सन है डी और जी वाला वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर होने की बात समझाऊंगा नहीं बेटा सुजल यहाँ पे इस तरह से नहीं कह सकते कल्याणी पिक्चर से समझाए डीएफसी कहां से कहां तक बेटा ये क्लियर हो जाएगा बेटा कल्याणी थोड़ा सा रुको डी और जीएफसी दोनों क्लियर करा दूंगा थोड़ा सा वेट करो ओके देखो एक काम करते हैं मुझे मालूम है आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा एक फ्लो डायग्राम से देखते हैं ठीक है पिक्चराइज डायग्राम बनाता हूं ओके okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ क्या चीज बेटा जी एफ सी जी एफ सी मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ से स्टार्ट होती है प्रोड्यूजर्स प्रोड्यूजर्स के बाद आएगा कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के बाद आएगा डी इस तरह से रहता है ठीक है बट इसमें भी बेटा हमें मालूम है कि सन मेन एनर्जी का सोर्स है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है सन से प्रोड्यूजर्स ने क्या किया बेटा एनर्जी ले लिया फिर कंज्यूमर्स के पास जाएगा फिर डीकम्पोजर्स के पास जाएगी वो एनर्जी तो अब इसको यदि हम एक फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट की हेल्प से समझे तो इसका जो है वो कैसे बनेगा तो इसके फ्लो चार्ट की हम देखें यहाँ पे हेल्प ले तो पहली चीज तो देखो सबसे पहले क्या चीज बेटा प्रोड्यूजर्स ठीक है जो कि क्या कर रहा है बेटा एनर्जी बना रहा है प्रोड्यूजर्स जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हम कह सकते हैं फिर उसके बाद कंज्यूमर आएगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सिकरी तो देखो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रोड्यूजर्स है प्रोड्यूजर्स ने जो एनर्जी बनाया उसको जो भी खाएंगा वो क्या रहेगा बेटा प्राइमरी कंज्यूमर अभी देखिए प्रोड्यूजर्स जो है इसमें कौन-कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं फिर प्रोड्यूजर्स पे जो डिपेंडेंट है प्राइमरी कंज्यूमर्स इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे वो हम देखेंगे फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो डिपेंड है कौन है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स रहेगा ओके फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो भी डिपेंडेंट है वो कौन रहेगा बेटा वो रहेगा टर्शियरी कंज्यूमर तो प्लांट ने जो भी प्रोड्यूसर से उसने सनलाइट से जो एनर्जी आई उसको यहां पे उसने क्या किया बेटा प्रोड्यूस कर लिया सनलाइट की एनर्जी को प्रोड्यूस किया तो अभी ये जो प्लांट है मतलब प्रोड्यूजर्स मींस यहाँ पे कोई ना कोई भी एक प्लांट हो सकता है तो इसे हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे T1 मींस क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा यहाँ पे हर्बीवोर्स हो सकता है क्या हो सकता है हर्बी इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे टी टू मींस सेकेंडरी टॉपिक लेवल समझे हर्बीवर्स के बाद फिर हमारा जो टी थ्री आएगा टी थ्री मीन्स प्राइमरी कॉर्निवर्स हो सकता है क्या जाएगा टी थ्री जो है प्राइमरी कॉर्निवर्स और टी फोर मीन्स टॉप लेवल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्निवोर्स इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को ठीक है अब देखो इसके आगे भी है पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई बेटा ठीक है गलत फेमी में नहीं रहना ओके आगे बढ़ते हैं। अरे रिस्पॉन्स देते जाओ ना ओके सर यस सर नो सर तभी तो मुझे लगेगा आप हो यहां पर आगे बढ़े तो देखो बेटा यहाँ पे प्लांट लेवल पे यदि हम देखे तो ये हमारा जो हो गया ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में हो गया तो देखो इसमें हम दो एग्जांपल्स ले सकते हैं कौन कौन से आ सकते हैं तो इसमें देखो एक तो फाइटोप्लैंकटोन ये हो सकता है पहली चीज तो या फिर प्लांट लेवल पे ग्रासेस जो कि क्या कर रहा है बेटा प्रोड्यूजर्स है एनर्जी कैप्चर कर पाएगा समझे तो प्लैंगे प्रोड्यूजर्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका यहां पे टी टू कौन होगा एक तो जू हो सकता है बेटा जो फाइटो को खा रहा है और इसी के साथ साथ यहां पे ग्रास ऑपर भी हो सकता है समझ रहे हो हम दोनों तरीके से देख रहे हैं बेटा है। एक तो वाटर बॉडी में जो हो रहा है एक्वाटिक लाइफ और दूसरा टेरेस्टियल जो हो रहा है ठीक है दोनों इस में इसमें मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल्स ठीक है क्या देख रहे हैं हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन देख रहे भी, हम पे पहुंचे भी नहीं है ठीक है अब जू प्लैटो को कौन खाएगा बताओ स्मॉल फिश खाएंगी तो ये जो स्मॉल फिश जो जू प्लैंकटन को खा रही है वो किस में आएगा बेटा फर्स्ट कॉर्निवर्स मीन थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गए और स्मॉल फीस को कौन खाएगा बताओ स्मॉल फीस को लार्ज फीस खा लेगी समझे तो ये एक्वेटिक लाइफ हो गई लेकिन यही चीज हम ग्रॉस ऑपर की हम बात करें तो इसमें कौन आएगा बताओ इसमें आता है फ्रॉग जो कि ग्रॉस ऑपर को खा रहा है और इसमें आता है स्नैक जो किसे खा रहा है बताओ को खाएगा। ओके देखो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को जो यहां पे समझा रहा था ठीक है कहा समझा रहा था मैं ये पिक्चर्स में देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या बताया बेटा मैंने यहां पर ये हमारा प्रोड्यूजर्स हो गया ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर इसको हम आगे भी बढ़ा सकते बेटा इस तरह से आगे भी बढ़ता है वहीं पे खत्म नहीं होता तो इस तरह से बेटा ये हो गया फूड चेन फूड एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से T1 से T2 T2 से T3 T3 से T4 T5 ऐसा आगे जा रहा है तो इस तरह से हर लेवल पे ये आगे क्या हो रही है बेटा बढ़ती जा रही है समझे तो ये हो गई क्या चीज बेटा ग्रेजिंग फूड चेन क्या देखे हम लोगों ने हम लोगों ने अभी जो समझे वो हमने देखे ग्रेजिंग फूड चेन ये देख लो बेटा यहाँ पे आपको ये सारी चीज ये वाला जो पिक्चर्स है ठीक है पिक्चर्स मीन ये वाला जो डेटा है इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको समझ में आए जूम आउट हो रहा है क्या ये ये देखो ग्रेजिंग फूड चेन अभी हम लोगों ने यहां पे देखे आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा ठीक है लेकिन इसमें देखो बेटा लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो रहेगा इसका ठीक है क्या चीज इसमें भी इसका जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो रहेगा वो क्या आएगा मालूम है लास्ट या मार्कर सही चल नहीं रहा लास्ट ट्रॉपिक लेवल ये रहेगा डी कंपोजर क्या रहेगा बेटा डी कंपोजर इसके बाद कुछ नहीं आएगा लास्ट ट्रॉपिक लेवल डी होता है हां बेटा प्लांट से स्टार्ट होगा और डीकंपोजर पे खत्म होगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा ग्रेजिंग फूड चेन अब फूड चेन की बात करते हैं टाइम है ना अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम दोंगे एक्स्ट्रा। देख ले। पे है। अब डी फूड चेन भी समझ लो तभी मजा आएगा तो अब देखो बेटा डीएफसी में क्या होगा यहां पे जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है और एनर्जी का जो मेन सोर्स है इसके पहले एनर्जी का मेन सोर्स था बट यहां पे एनर्जी का जो मेन सोर्स जो है वो रहेगा डेट्रिटस इसके पहले क्या था बेटा सन था तो डेट्रिटस से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी तो अब देखिए यहां पे इस कंसेप्ट को हम समझते हैं कि कैसे यहां पे आ रहा है तभी तो आपको डीएफसी और जीएफसी समझ में आएगा डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले तो देखो बेटा यहां पे जो आ रहा है डेट्रिटस है डेट्रिटस से डेट्रिटिवोर्स जो है क्या चीज डेट्रिटिवोर्स जो है इसने क्या किया सबसे पहले एनर्जी ले लिया और डेट्रिटिवोर्स में क्या आएगा जल्दी बताओ क्या आता है डेट्रिटिवोर्स में अर्थवॉर्म पढ़े हम लोगों ने तो यहां पे डेट्रिटिवोर्स का एग्जाम्पल भी आपको मालूम होना चाहिए तो डेट्रिटिवोर्स जो है इसमें अर्थ आ गया तो अर्थ ने क्या किया बेटा इस डेट्रीटस को खा लिया खाने के बाद जो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई वो किसके पास आ गई है वो आ गई है अभी अर्थवॉम के पास अब अर्थवॉर्म से क्या होगा बेटा हो सकता है स्पैरो से खा लेगा अर्थवॉम को स्पैरो खाता है तो एनर्जी कहां पहुंच गई बेटा अभी स्पैरो के पास पहुंच गई और स्पैरो स्पेरो को खाएगा फेलकॉन तो एनर्जी यहां पहुंच गई तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है ठीक है तो ये कहलाता है बेटा डेट्रिटस फूड चेन डेट्रिटस फूड चेन जो कि डेट्रिटस से स्टार्ट होता है और ग्रेजिंग फूड चेन जो कि कहा से बेटा प्लांट से प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है बस ये डिफरेंस है दोनों में भी क्लियर हो गया डीएफसी और जीएफसी में चलो वेरी गुड तो अभी आपको डी और जी समझ में आ गया है तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है ये कंसेप्ट हम लोगों को देखना है ठीक है तो कल का लेक्चर जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे फिर एनर्जी का फ्लो एक्चुअली कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी एनर्जी का फ्लो बेटा अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है ठीक है तो आगे जो है एनर्जी का फ्लो कुछ पिक्चराइजेशन ठीक है बहुत सारी स्लाइड भी रेडी है हमारे पास ऐसा नहीं है कि नहीं है रेडी ये सारे स्लाइड्स जो है ये बची हुई आप लोगों के लिए तो ये जो है ये आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा ठीक है तो यहाँ पे सारा पोर्शन जो है हम कल के इसमें कंटिन्यू करते हैं वैसे भी बेटा मुझे मैसेज कर देना ठीक है चलो तो आज का लेक्चर फिर हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा टेलीग्राम पे मैसेज करो तो मुझे डेटा शेयर करने में बहुत आसानी होती है ओके थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मिलते बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए एक्सचेंज आइनोज के साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आज जहाँ पे सारा डेटा लेटेस्ट अपडेट ऑल लेक्चर्स पीडीएफ डेटा मिलता है और साथ ही साथ आप लोग टाइनी डॉट सी सी एक्सचेंज नीट बायोलॉजी भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको जितना भी पी डी एफ लेक्चर्स है वो सारा अवेलेबल मिलेगा और साथ ही साथ सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुकी है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय हैव अ नाइस टाइम टेक केयर